उसका ठरक देखो। नहीं नहीं जाली के बारे में आपको मालूम है ना, जाली के बारे में आपको नहीं। लेट बी योर गर्लफ्रेंड बी। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं सुबह सुबह सो के उठा तो भैया कॉल आया, उनको ब्लड का बहुत ज़्यादा अर्जेंट था तो ए पॉजिटिव ब्लड चाहिए था, तो मुझे कॉल किया उन्होंने और बोला कि भाई ब्लड का जरूरत है। तो मैं सो के उठा, ब्रेकफास्ट किया और जल्दी जल्दी यहाँ MGM ब्लड बैंक में आ गया मैं। तो अभी मैं ब्लड देने जा रहा हूँ। नहीं गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। ब्लड डोनेशन आपको भी करना चाहिए। मेरा ये 4th टाइम है, बट कोई भी कमज़ोरी या किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप भी ज़रूर डोनेट कीजिए। आपके एक ब्लड डोनेट करने से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, सो प्लीज़ डोनेट। तो धूप में बैठा हुआ हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं होता ब्लड देने से। सबको डर लगता है कि कमज़ोरी होगा और चक्कर आएगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। सब आपके माइंड के ऊपर है, आपका माइंड ही आपको हैंडल करता है। अगर आप सोचोगे तो वही आएगा। सो आप हमेशा स्ट्रांग रहो और बी पॉजिटिव, कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ ब्लड डोनेट कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और बाकी आपके ऊपर है। तो मैं घर जा रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सौरभ के घर। मेरा चड्डी वड्डी फ्रेंड है वो, और वो आज पार्टी दे रहा है चावल कड़ी का। तो बहुत दिनों बाद आज हमारे जिम के जितने भी मेंबर हैं जिसके साथ वर्कआउट करते हैं, आज उसे गेट टुगेदर होगा और अभी मिलेंगे। मैं वहीं जा रहा हूँ अभी, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं सबसे मिल रहा हूँ, और ये भी जाएंगे खाने। सो मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ का दिखाता हूँ कौन कौन आ रहा है। तो चलिए, हम आ चुके हैं सौरभ अपने लंगोटे घर के गोडाउन में, और ये गोडाउन है सौरभ का, यहीं पार्टी होगी आज। और ये हमारे छोटे भाई दोनों आ चुके हैं, सामान खाने का लेके आए ये लोग, और ऊपर जा रहे देखते हैं कौन कौन आया है। यहाँ कोई नहीं है लगता है, सब ऊपर है। तो हम जाते हैं ऊपर और देखते हैं कौन कौन आया है अभी। सो यहाँ बड़े भैया आ चुके हैं, इमाम भैया और अश्विनी भैया दोनों हैं, और अभिषेक भी बैठा हुआ है। सौरभ कहाँ है? पार्टी दे रहा, वही नहीं मौजूद है यहाँ पे। देखते हैं कितना देर में आता है, वेट करते हैं हम लोग सौरभ का। क्या जरूरत है सब लाने का? आ गया मेरा लंगोटिया यार। भाई तब कब से तुम्हारा वेट कर दे भाई, अब जल्दी बैठ, और खाना है भाई, 4 बज गया। मेरा शोरूम का डिस्क्रिप्शन डाल देना अपने यहाँ। ठीक है डाल दूंगा। ये तो गोडाउन है ना भाई, अपने फ्रेंड्स को बोलना मेरे यहाँ की खरीदारी करें। अब कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा उसको? कौन आया? ये परोसते हुए चेहरा दिखाई दे रहा है एक बार। ये स्मार्ट भैया कौन? उसमें ये पोछा मारते हुए खाता है। हमने लंगर खा लिया है और अब हम इकट्ठा हुए हैं और विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमने जितना भी कैलोरी अंडा डाला है उसको बर्न कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा कैलोरी हो चुका है, बहुत ज्यादा लोग खा चुके हैं, तो उसको बर्न कैसे करेंगे। यहाँ तक ये देखिए, और यही है लंगर के जमदाता। अरे वो ठीक है, यहाँ तक पेट दिखाई। अरे ये मेरा बचपन का दोस्त है, जब लंगोट नहीं पहनना था तो इसको हम ही सिखाए।
थैंक यू सो मच भाई लंगोट पहने के लिए, आज हम चड्डी पहनते हैं वो माचो सॉरी हां फोटो शूट चल रहा है इधर इधर सेंटेंस का भाई ए बाप था शूट का फोटो चल रहा है वो ये शूटर है सस्ता शूटर सस्ता शूटर सो हम शुरुआत कर रहे हैं पूछना सबसे कि कैसा लगा आज का लंगर पार्टी। तो सबसे पहले आप बताइए कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या खाया आपने? मैं यहाँ पे सिर्फ आया था कड़ी खाने। बहुत अच्छा बनाया है, बहुत जबरदस्त जो भी बनाया है बहुत अच्छा लगा। सीरियस बहुत अच्छा बच्चे अपना बच्चे तो नहीं रहा अभी का रुको रुको जरा सबर करो ठहरो जरा अभी खत्म नहीं हुआ नौकरी खा जाएंगे भैया। या ये मेरा बचपन का दोस्त है भैया। इसका लंगोट बनाना हमें सिखाए थे लंगोट से डीला गया था। दिखा दीजिए। नहीं नहीं सौरभ ने बोला कि आज पार्टी दूंगा। क्या मैंने पूछा क्या तो बोलता है चावल और कड़ी का पार्टी। तो बोले मुँह में पानी आ गया। मैंने बोला बहुत जरूर आऊंगा भाई। और साथ में अश्विनी भैया ने बना दिया कबाब। क्या बनाया? कलेजी। और इसने मेरा फेवरेट जो मैंने पहले खाता था अपना पोस्ट वर्कआउट में चिल्ली वो मंगवा दिया भाई मेरे लिए। मतलब कितना जानता है मेरे भाई मेरे को। नहीं तुम लोग दोनों का जोड़ी बहुत अच्छा लगता है। आप हमको जोड़ी एक आप हमको नहीं देख पा रहे लेकिन हम पीछे से बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। सो भाई कैसा लगा आज का खाना? बहुत टेस्टी था। बहुत दिन के बाद मिला खाने को कढ़ी चावल। हाँ तो फिर फिर उसके बाद गजब बेइज्जती है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा खाना बहुत टेस्टी था। अच्छा 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 ठीक है। कैसा लगा आपको खाना? बहुत अच्छा लगा। कड़ी नहीं नहीं सवाल वो नहीं है। सवाल चेंज हो गया। सवाल ये है ब्रदर कि तुम हर जगह यही टी शर्ट पहने क्यों आते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्यों आता तुम ये टी शर्ट पहन के? अंजलि दी है क्या? सुप्रिया दी है। नहीं नहीं क्यों कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा। मतलब कैसा अच्छा था फिर भी? अच्छा मैंने कभी नहीं खाया। कैसा अच्छा? मैं भूलूं क्या? मेरे लाइफ में मैंने खाया। सुनिए तुम्हें कैसा लगा दोस्त ये आज का जो भी पार्टी था हम लोगों का? खाना बहुत टेस्टी था भैया। उसके बाद हम लोग सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए बहुत दिन बाद। संडे को जॉब की छुट्टी थी तो मजा आ गया। नहीं जबरदस्त बहुत अच्छा। हाँ जी मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मेरे बचपन के मित्र हमारे जमशेदपुर का ब्लॉगर है अजीत, शायद आप लोग नहीं जान रहे हैं। सो विशाल कैसा रहा आज का? बहुत बढ़िया भैया। हाँ अभिषेक बहुत अच्छा था खाना भी आज का। चावल कढ़ी सब खा के मजा आ गया। कलेजी ने खाया? नहीं भाई हम कलेजी वगैरह डाइट चल रहा भाई। डाइट में है। डाइट में डाइट चल रहा। कोई मजाक नहीं आएगा। हाँ सौरभ लास्ट तुम्ही को खत्म करना। केसरी वहाँ पर हमारा दुकान है। कहाँ? कोई बात वही जगह अपना दुकान है। हाँ आप लोग सब आइएगा। हाँ तारकांटी खिला हम बेचते हैं। हाँ हम तारकांटी खिला बेचते हैं। हाँ घर बनाना हो तो हमारे यहाँ से ले जाइए। सरिया छोड़ के फ्री में देंगे थोड़ा सा। आजकल में कुछ ऐसा हादसा हुआ था? कोई बंदा शायद नेट वेट लेके ऐसा कुछ गया था? कुछ ऐसा आया मित्र था? हैं हाँ। मित्र कम बड़े मित्र हैं मित्र वो हमारे मित्र हैं। मित्र कम बड़े भैया ज्यादा हैं मेरे यहाँ। और उनको जाली का बहुत फिक्र हो रही थी कि कैसे जाली ले। ये हादसा कहीं से पकड़ाया था मगर कोई पकड़ने वाला था तो ऐसा हुआ। ये शायद पकड़ा था ना? क्या हुआ था केस पूरा? मैंने देखा कि भैया बहुत सारे नाइटी को सर्च कर रहे थे। ये जसरचित गवाह है तो उसी से मिलता जुलता उनको कुछ। कैसे आपने मतलब सर्च करते हुए देखा या मतलब? जी जब वो डेटा ऑन किए तो मैंने देखा कि ऊपर में वो नोटिफिकेशन आ रहा था बहुत सारी नाइटीज का और ये बात को मान रहे नहीं थे। तो आप भैया मतलब कौन भैया? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो चीज आप ऑनलाइन सर्च करते हो वो आपके सोशल साइट्स में आता है कि नहीं। भैया मैं हाँ तो उसके बाद फिर उसके बाद ये फिर और सबूत मिला ना कि ये कंफर्म हुआ कि ये। फिर जब मैं इनके मुंह से सुना तो मुझे डाउट हुआ कि एक दिन पहले ये मेरे शॉप में आए थे। ये मतलब ये मेरे शॉप में आए थे और वहाँ पर मेरे जो आगे मैं दुकान के आगे जो जाली लगी हुई थी उसको बहुत घूर रहे थे। मैं पूछा किस लिए इतने घूर रहे? तो बोलते मैं देख रहा हूँ ये बारीकी कितनी बारीकी है। मच्छर फंसेगा कि नहीं? मच्छर फंसे मच्छर मतलब आप समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो?
समझ रहे हो? रेट पूछे, रेट पूछ के इनको थोड़ा चीप लगा ना, तो ये बोले कि एक दो दिन में मेरे को पता है, एक दो दिन में आके खरीद के ले जाएंगे। अच्छा फिर आए नहीं? नहीं अभी तक नहीं आए। तब तक मुझे ऐसा लगता है सौरभ कि ये बंदा जो बोला है उसने ऑनलाइन मंगा लिया। तुम कहाँ हंस रहे बे? गजब बेइज्जती है भाई साले। बोलो अब्बा हारमोनियम बजा था। बोल 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 भाई। अरे तुम कहाँ खेलने गया था? बता बता। कबड्डी खेलने गया था मुंबई। अच्छा 20 रुपए तुम नीचे बेड से निकाला था, क्या था वो चक्कर? अब 20 रुपए मिला बे, मजा आ गया बे। रामदेव बाबा से कुछ सवाल करें आप। क्या बोलेंगे? योग करते रहिए, जिंदगी जीते रहिए। चल झूठा बात बराबर है। जिम भी करते रहिए। क्या मारे? आधा घंटा ब्लोर मारते हैं दाढ़ी में अपने। स्मार्ट स्मार्ट। एक बार एक बार आपकी दाढ़ी है तो मेरे ब्रांड और कुछ और कुछ बोलना है आप लोग को? दोस्त भाई कुछ बहस चल रही थी आप दोनों के बीच। मेरा दोस्त। अच्छा नहीं नहीं अभी जो तुम बोला था मान लीजिए। हाँ भाई किया। बस काला रंग है क्योंकि ये चॉकलेट डार्क चॉकलेट कलर है। चल झूठा कितना झूठ बोलेगा रे? किसका ठरक देखो। नहीं जाली के बारे में आपको मालूम है? जाली के बारे में आपको मालूम है? कैसे मालूम है? कैसे मालूम चला ठरक? तुम कब सीढ़ी से ऊपर आ रहे थे तो रखा हुआ था। क्या मालूम है किसमें हो? सीढ़ी से हम लोग भी ऊपर आ रहे थे। हम लोग कैमरा देख रहे थे। बोल रहा था आवेश को क्या बोला? क्या बोला अभी? जाली में नाम लिया। नहीं नहीं सही। अच्छा छोड़ो सब बात, इम्पोर्टेंट बात ये था। मान लीजिए सुनो सुनो। अरे मस्त 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 बोला कसम से। अंजलि को छोड़ अंजलि को छोड़। अंजलि नहीं क्या मान लीजिए? अरे बोला अरे सीरियस मैथ जब पढ़ते तो बोलते ना सर मान लो सीधा बोलता सीधा 90 में इधर सीधा नहीं लेट बी योर गर्लफ्रेंड बी एक्स अपने घर घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सब के सब अपने घर चले जाएंगे। बहुत ही मजा आया आज का दिन। सो मैं अपने फ्रेंड से मीटअप करके आया और घर सो गया। बहुत टायर्ड फील कर रहा था तो अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा हूँ और मैं अपना लास्ट मील ले रहा हूँ जो कि और साथ में एडिटिंग कर रहा हूँ आज का वीडियो जो डालना है मुझे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय।